बागेश्वर में दीपावली पर्व के लिए नगर सहित दुग बाजार, चौक बाजार, तहसील रोड के साथ साथ कत्यूर बाजार सहित अन्य स्थानों पर व्यापारियों के द्वारा फूलमाला, दिए, मूर्तियां और अन्य सामग्रियों की बिक्री के लिए दुकानें सजाई जा रही हैं। सामान की खरीदारी करने के लिए ग्राहकों का भी आवागमन बाजार क्षेत्र में बढ़ने लगा है। व्यापारियों ने ग्राहकों पर आस लगाते हुए अधिक सामान की बिक्री का भरोसा भी जताया है। धनतेरस से पूर्व ही बाजार में भीड़भाड़ होने से बाजार क्षेत्र की रौनक पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ने लगी है। अभी तो फिलहाल नॉर्मली है, लेकिन अभी दो चार दिन के बाद जो है 20-21 तारीख के बाद इसमें ख़रीदारी में जो है या मार्केट में भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। और मिट्टी के दिए का जो है आज भी अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं दीपावली के लिए। मिट्टी के दिए में जो है तेल डाल के और मिट्टी के मूर्तियां हैं, तो इनका काफ़ी मात्रा में अभी भी लोग घरों में यूज करते हैं। ये दिवाली बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हमारे साथ ग्राहक आ रहे हैं और अच्छी ख़रीदारी करके जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम से जो था उस टाइम में माल उपलब्ध भी नहीं था हमें, और ग्राहक भी आने के लिए संकोच कर रहा था कि हमें कहीं बीमारियों से वो हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और इस वजह से ख़रीदारी बहुत अच्छी हो रही है। CCN न्यूज़ के लिए बागेश्वर से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट।